हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्वांटम नंबर्स। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हमने सीखा था और क्वांटम नंबर्स में देखो बेसिकली अपन ने क्या सीखा, क्वांटम नंबर चार टाइप के होते हैं। क्वांटम नंबर चार टाइप के होते हैं, कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज ए म्यूथल, या सेकेंडरी, या सब्सिडरी, या एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। अगर एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करना है बच्चों, तो सिर्फ ये तीन क्वांटम नंबर काम आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कैसे करता है वो अभी अपन सब देखेंगे, सब समझेंगे। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता था, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये बच्चों शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा कि आप लोगों को सिखाया था, एक एटम के अंदर ऐसे ये गोल गोल चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। ये गोल गोल चक्कर है, इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं शेल। क्या बोलते हैं? शेल। और ये जो शेल है बच्चों, इनको प्रिंसिपल एनर्जी लेवल भी बोला जाता है, इसीलिए इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है। शेल के अंदर पाए जाते हैं कौन? सब शेल। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल के अंदर फर्दर सब एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं सब शेल्स। इन सब शेल्स के अंदर पाए जाते हैं बच्चों ऑर्बिटल्स, और इन ऑर्बिटल्स के अंदर बैठा घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया था, है ना। इसको रिप्रेजेंट करेगा कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करेगा कौन? एजीम्यूथल, या एंगुलर, या सब्सिडरी, या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करेगा कौन? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसको रिप्रेजेंट करेगा कौन? स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखो, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने? तीन ही तो क्वांटम नंबर काफ़ी हैं, है ना। तो इस पर एक क्वेश्चन अगर मैं पूछ लूँ ऐसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन ऑर्बिटल, उसमें एन, एल, एम और फोर्थ ऑप्शन आ जाए ऑल ऑफ दीज, तो क्या आंसर जाएगा? ऑल ऑफ दीज, एन, एल एंड एम। हाँ, अगर अपने से ये बोल दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है, तब हमें चौथे क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है, जो कि है स्पिन क्वांटम नंबर। तो बच्चों, चौथा क्वांटम नंबर इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं अभी? हम इलेक्ट्रॉन को एड्रेस कर रहे हैं, मतलब एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर सिचुएटेड है, उसका एड्रेस क्या है उस एटम में, वो हम डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो कैसे किया हमने भाई? किस शेल में प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट कर देगा अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है बच्चों? 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। इसका क्या मतलब हुआ कि एक एटम के अंदर कितने शेल्स पॉसिबल हो सकते हैं? एक एटम के अंदर इनफाइनाइट शेल्स पॉसिबल हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट, हर एक शेल में सब शेल पाए जाते हैं। सब शेल को रिप्रेजेंट करता है बेटा कौन? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को बच्चों हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू रिलेटेड होती है N से। इसकी वैल्यू N से कैसे रिलेटेड होती है? L की वैल्यू N से कुछ इस तरीके से रिलेटेड होती है बच्चों, ये होती है 0 to n-1, 0 to n-1। यानी कि अगर हम n इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, n इक्वल टू 1, यानी कि हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से सब शेल होंगे? तो देखो, लगाओ यहाँ से 0 to n-1, तो l की क्या क्या वैल्यू हो जाएंगी? l इक्वल टू 0 और n-1, यानी कि 1-1, 0। l की एक ही वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, n इक्वल टू 2 की मैं बात करूँ अगर, यानी कि सेकेंड शेल, कौन सा? सेकेंड शेल। सेकेंड शेल के लिए l की क्या क्या वैल्यू बन जाएगी? 0, 1। ठीक है, दो वैल्यूज़ मिल रही है। n इक्वल टू 3 के लिए l की क्या क्या वैल्यूज़ मिल जाएंगी? 0, 1, 2। n इक्वल टू 4 के लिए क्या क्या वैल्यूज़ मिल जाएंगी बच्चों l की? 0, 1, 2, 3। L की हर एक वैल्यू एक सबशेल को रिप्रेजेंट करती है। जैसे n की हर एक वैल्यू एक शेल को रिप्रेजेंट कर रही है ना, ये n इक्वल टू 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये फर्स्ट शेल है,
n इक्वल टू टू लिखा है, इसका मतलब क्या ये सेकेंड शेल है, n इक्वल टू थ्री यानी कि थर्ड शेल। अब ये जो नीचे l की वैल्यूज लिखी हैं ये उस शेल में प्रेजेंट सब शेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल पाया जाएगा क्योंकि l की एक ही वैल्यू मिल रही है, सेकेंड शेल में दो सब शेल पाए जाएंगे, थर्ड शेल में तीन सब शेल पाए जाएंगे और फोर्थ शेल में चार सब शेल पाए जाएंगे। अब बच्चों ये SPDF जो हमने सुना है, आप लोगों ने सुना होगा SPDF है ना, वो कहाँ से आया, वो यहीं से आया है बच्चों। L इक्वल्स टू जीरो रिप्रेजेंट करता है बच्चों S सब शेल को, L इक्वल्स टू वन P सब शेल को, L इक्वल्स टू टू D सब शेल को और L इक्वल्स टू थ्री F सब शेल को रिप्रेजेंट करता है ना। इसमें इनका शेप भी आपको पता होगा, S सब शेल ऐसा होता है ना, P सब शेल में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं ऐसे, जिनको हम डंबल शेप बोलते हैं, ऐसे तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। अभी अपन जब ऑर्बिटल्स की बात करेंगे ना तब हम देखेंगे कौन कौन से तीन ऑर्बिटल। डी सब शेल ऐसे डबल डंबल शेप होता है, इसमें ऐसे पांच डबल डंबल शेप, पांच डबल डंबल शेप ऑर्बिटल्स होते हैं। और एफ जो होता है इसको बोल दिया जाता है कि बच्चों ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, कॉम्प्लेक्स नहीं है बच्चों ये, इसका जो शेप है ना हम एक मतलब टू डायमेंशन में नहीं बना सकते, एक टू डी पेपर पे नहीं बना सकते अपन, इसको थ्री डी में समझना पड़ता है। जैसे इसमें चार लोब है ना बच्चों, एफ में छः लोब्स होते हैं है ना, ऐसे ये छः फुग्गे नज़र आते हैं उसमें, जैसे इसमें कोई फुग्गा नहीं है, ये जीरो फुग्गा, ये दो फुग्गा, ये चार फुग्गा, इसमें छः फुग्गे नज़र आते हैं है ना, या आप ऐसे मान लो छः बलून टाइप लोब्स नज़र आते हैं इसमें, ठीक है। तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोल दिया जाता है क्योंकि पेपर पे 2D में नहीं बना सकते इसके शेप को, और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, आपके सिलेबस में भी नहीं है, है ना। तो फिर इसकी चिंता करना ही छोड़ दो, बस ये तीन शेप याद रखो, स्फेरिकल, डंबल शेप और डबल डंबल, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर, यहाँ L इक्वल्स टू सिर्फ जीरो मिला है, कहाँ, फर्स्ट शेल में। L इक्वल टू जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है, S सब शेल को, यानी कि फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सब शेल मिलेगा, वो कौन सा होगा, 1S। सेकेंड शेल में दो सब शेल मिलेंगे, L इक्वल टू जीरो और L इक्वल टू वन। L इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट करता है S को, L इक्वल टू वन रिप्रेजेंट करता है P को, यानी कि सेकेंड शेल में एक S और एक P सब शेल, यानी कि एक 2S और एक 2P। सिमिलरली थर्ड शेल में देखो तीन वैल्यूज मिल रही है, 0, 1, 2, यानी कि S, P और D। तो थर्ड शेल में मिलेगा 3S, 3P और 3D। फोर्थ शेल में 4S, 4P, 4D, 4F। समझ में आ गई गणित क्या है, N और L कैसे रिलेटेड हैं। N और L में बच्चों ये रिलेशन याद रखने का है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसी से ये सारी वैल्यूज आई हैं। यानी कि बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये किसी एटम का न्यूक्लियस है तो ये उसका फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में कितने सब सेल हैं, सिर्फ एक, 1S। ये इसका सेकेंड शेल अगर है तो इसमें बच्चों दो सब शेल मिल रहे हैं, 2S और 2P। ये थर्ड शेल अगर है तो इसमें 3S, 3P, 3D। फोर्थ शेल में 4S, 4P, 4D, 4F। ये एक एटम का डायग्राम है और ये उसके शेल्स हैं और ये उसके सब शेल्स हैं। अब देखो इधर N इक्वल टू वन, जो N का वैल्यू है उतने ही सब शेल मिल रहे हैं, N इक्वल टू वन यानी कि एक सब शेल। फर्स्ट शेल में कितने सब शेल, एक। N इक्वल टू टू, दो सब शेल, यानी कि सेकेंड शेल में दो सब शेल। N का वैल्यू टू तो दो सब शेल, N का वैल्यू थ्री तो तीन सब शेल, N का वैल्यू फोर तो चार सब शेल। ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लूँ कि बताओ एक एटम है मेरे पास जिसमें 10 शेल्स हैं तो उसमें कौन कौन से सब शेल्स होंगे, उसमें कौन कौन से सब शेल्स होंगे आपको बताना है। क्या दिया मैंने, N इक्वल टू 10, उसमें कितने सब शेल्स होंगे, N इक्वल टू 10 में सब शेल्स होंगे बच्चों, नंबर ऑफ सब शेल्स, नंबर ऑफ सब शेल तो आप बता दोगे 10 हो गए है ना, क्योंकि जितना शेल का नंबर होता है उतने ही उसमें सब शेल्स मिलते हैं, ऐसा हमने यहां पर सीख लिया, ठीक है। अब वो 10 सब शेल कौन कौन से होंगे वो भी हम बता सकते हैं, देखो कैसे। क्वेश्चन है 10वें शेल में कितने सबशेल होंगे, N इक्वल टू 10 है, इसमें
नंबर ऑफ सब शेल्स बताने हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका 10। ठीक है, ये तो हो गया आसान एकदम लल्लू पंजू वाला क्वेश्चन। अब आपसे पूछ लिया गया कि ये 10 सब शेल कौन कौन से हैं ये बताओ, तो अब दिमाग लगाओ कैसे। देखो n इक्वल टू 10 है तो l की क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी, तो n और l में अभी एक रिलेशन बताया था, यहाँ पे क्या रिलेशन बताया था, l का वैल्यू n से रिलेटेड होता है, कहाँ से कहाँ तक। अगर n इक्वल टू 10 है तो l का वैल्यू जाएगा 0 टू n माइनस 1, यानी कि 0 से n माइनस 1, यानी कि 10 माइनस 1 9 तक ये सबशेल्स पाए जाएंगे उसमें, ये सबशेल्स पाए जाएंगे। तो l इक्वल्स टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, s को, l इक्वल टू 1 p को, ये d को, ये f को। अब सर ने तो चार ही बताए f, इनको क्या नाम दिया जाए, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो देखो f के बाद आता है बच्चों g, g के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चालू हो जाता है, g के बाद h i j k l ऐसे इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे। अब ये एस पी डी एफ, यहाँ एस पी डी एफ ये सब नाम आया, इधर जी नाम आया, चलो इधर तो समझ में आता है, ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, एच आई जे के और ये जो भी है। सर आपका नाम एच से शुरू होता है, आपका नाम हितेश है, तो क्या आप यहाँ एच के बाद मतलब ऐसे रेगुलर चालू कर दोगे और इधर इससे पहले क्या कुछ भी नाम दे दोगे, ऐसा नहीं होता है बच्चों, ऐसा नहीं होता है। ये एस, ये जितने भी सबशेल्स हैं जब इनको स्पेक्ट्रम पे देखा गया है ना, अब सबशेल्स में क्या प्रेजेंट है बच्चों, ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन को हम देख नहीं सकते आंखों से कि ये रहा इलेक्ट्रॉन, कोई पार्टिकल नहीं है इलेक्ट्रॉन, हम उसे नहीं देख सकते, आज भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, हम उसे सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को, उसके फील्ड को डिटेक्ट करते हैं बच्चों, और जब उसकी एनर्जी को डिटेक्ट किया जाता है स्पेक्ट्रम पे, तो स्पेक्ट्रम पे हमें कुछ पैटर्न्स मिलते हैं, उन पैटर्न के बेसिस पे ये नाम दिए गए हैं एस पी डी एफ। एस नाम कहां से आया बच्चों, ये नाम आया है शार्प से, पी नाम आया है बच्चों प्रिंसिपल से, डी नाम आया है डिफ्यूज्ड, एंड देन एफ नाम आया है बच्चों फंडामेंटल से, फंडामेंटल, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। और ये जी जो है, जी है बच्चों जनरलाइज्ड, क्या है जी, जनरलाइज्ड। और ये एच आई जे के जो हैं ये सिंपल अल्फाबेट्स लिए गए हैं यहाँ से, अब आप आगे बढ़ते जाओ और अल्फाबेट्स को लेते जाओ, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। अब देखो कौन कौन से सबशेल्स होंगे, 10 हैं तो एक एस होगा यानी कि 10s, कौन सा होगा इधर 10p, 10d, 10f, 10g, 10h, 10i, 10j, 10k, 10l, ये सारे सबशेल्स होंगे कहाँ, n इक्वल टू 10 दसवें शेल में, ठीक है। पर ऐसा अभी हमारे पास कोई एटम ही नहीं है जिसमें 10 शेल हों, हमारे पास मैक्सिमम अभी इतने ही एटम्स हैं बच्चों जिनमें 7 शेल हों ऑफिशियली। तो हाँ कुछ एटम्स ऐसे भी डिस्कवर हो चुके हैं जिनमें 8 शेल भी हैं, पर वो अभी हमारे पीरियोडिक टेबल में ऐड नहीं हुए हैं, ठीक है। वैसे तो बच्चों 135 से ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और उनको जस्ट पेटेंट कराने की दौड़ चली रही है, पर अभी तक 118 ही हो पाए पेटेंट, है ना, पीरियोडिक टेबल में 118 ऐड किए गए। तो ये हमारा बच्चों था सेकंड वाला, सब्सिडरी या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों थर्ड क्वांटम नंबर की, और वो है, अच्छा यहां पर एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर ये पूछा जाता है बच्चों। देखो हमें ऑर्डर ऑफ एनर्जी बताना है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी कैसे बताना है, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल उसका 2s2p, ये थर्ड शेल उसका 3s3d, है ना, तो ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s, ये 3p और ये 3d। बच्चों ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है। शेल्स की एनर्जी कैसे होती है, शेल्स की एनर्जी बढ़ती जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाते हैं वैसे वैसे बढ़ती जाती है, मैंने आपको बताया था, है ना, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे शेल्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी। सिमिलरली बच्चों सबशेल्स की एनर्जी भी बढ़ती जाती है, जो सबशेल जितना ज़्यादा दूर होगा इलेक्ट्रॉन से उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी,
ठीक है, तो जो ऑर्डर हमने सेल्स में लगाया था वही आप सबशेल में भी लगा सकते हो। यानी कि आपसे पूछा जाए 2s2p की इनकी एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो 2s और 2p में से किसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी, 2p की ज़्यादा रहेगी 2s से। 1s और 2s में से किसकी ज़्यादा रहेगी, ऑब्वियस बात है 2s की। 3s 3p 3d में एनर्जी का क्या ऑर्डर रहेगा, ये ऑर्डर रहेगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर बढ़ते जाओगे एनर्जी बढ़ता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, पहले तो हम ये पता रखें कि इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ये बच्चों रिप्रेजेंट करता है एक ऑर्बिटल को, एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। और m जो है बच्चों ये l से रिलेटेड होता है, यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड होता है ये। जैसे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किससे रिलेटेड था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, वैसे ही m जो है ये l से रिलेटेड होता है। कैसे, m की जो वैल्यू होती है बच्चों ये होती है माइनस l टू प्लस l इंक्लूडिंग जीरो। इस बात का ध्यान जरूर रखें, इंक्लूडिंग जीरो। फॉर एग्जाम्पल बच्चों बात कर रहे हैं हम फर्स्ट नहीं सेकेंड शेल की बात करते हैं, सेकेंड शेल की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से सबशेल होंगे, 2s और 2p, n इक्वल टू सेकेंड शेल। इसके लिए l की क्या क्या वैल्यू, 0.1, यानी कि 2s और 2p। अब ये इसके लिए l का वैल्यू 0 है तो इसके लिए m की अलग वैल्यूज निकलेंगी, इसके लिए l का वैल्यू 1 है इसके लिए m की अलग वैल्यूज निकलेंगी। इसके लिए m की क्या वैल्यूज आएंगी बच्चों, m की वैल्यूज होती माइनस l टू प्लस l, तो l की वैल्यू यहां 0 है तो माइनस 0 से प्लस 0 यानी कि सिर्फ 0। इधर देखो, इधर देखो 1 वैल्यू मिली है l की तो माइनस l से प्लस l यानी कि माइनस l टू प्लस माइनस 1 टू प्लस 1 तो माइनस 1 0 प्लस 1, ये तीन वैल्यूज मिलेंगी। ऐसे बच्चों अगर हम बात करें l इक्वल टू 2 की, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डी सबशेल को। तो डी सबशेल के लिए m की क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी बच्चों, माइनस 2 माइनस 1 0 1 2। ऐसे f सबशेल की मैं बात करूं बच्चों, l इक्वल टू 3 f सबशेल, इसमें m की क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3। कितनी वैल्यूज मिल रही है बच्चों, m की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगी। यहां पर m की कितनी वैल्यूज हैं, m की एक वैल्यू है यानी कि एक ऑर्बिटल। तो बच्चों आपने आज तक जब भी एक s ऑर्बिटल बनाया होगा, s सबशेल बनाया होगा, उसमें एक ही डब्बा बनाया होगा। जब भी p सबशेल बनाया होगा तो ऐसे तीन डब्बे बनाए होंगे, क्यों, क्योंकि l की तीन वैल्यू मिलती हैं, सॉरी m की तीन वैल्यूज मिलती हैं l इक्वल टू 1 के लिए। l इक्वल टू 2 यानी कि d सबशेल के लिए m की कितनी वैल्यूज मिलती है, 5। इसका मतलब d सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5। कुछ याद आया गब्बर सिंह का डायलॉग, अरे ओ कालिया कितने ऑर्बिटल्स थे, 5 सरदार। चलो अब f में बताओ, f में कितने हैं, f में है कितने, 7 वैल्यू मिल रही है यानी कि 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 ही बने ये, तो चलो एक और बना दो, ये बन गए 7। तो बच्चों जब भी आप s सबशेल बनाओगे तो एक डब्बा बनाओगे, क्यों, क्योंकि s सबशेल में एक ऑर्बिटल पाया जाता है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं और d सबशेल में 5 और f में 7, इसलिए आप ऐसे बनाते हो। अब ये 5 जो डब्बे हमने बनाए हैं, ये जो 3 डब्बे ये 7 डब्बे बनाए हैं, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी बच्चों, ये तो s ऑर्बिटल है ही, ये जो p ऑर्बिटल हैं बच्चों इनके भी हमने नाम दिए हैं, इनके जो नाम दिए हैं वो इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उनके ओरिएंटेशन पे बेस्ड इनके नाम दिए हैं। अब ये सर आपने क्या कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म बोल दी, इनके ओरिएंटेशन पे बेस्ड नाम दिए हैं, मतलब आपको तो आता है, आपको पता है, इसलिए आप कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी बोल देते हो, है ना। ऐसा नहीं है बच्चों, ओरिएंटेशन पे बेस्ड इसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो ऑर्बिटल है प्लस वन वाला, m इक्वल टू प्लस वन वाला,
इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब पी सबशेल का शेप कैसा होता है अभी मैंने बताया था डंबल शेप है ना, तो ये तीनों डंबल शेप अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, एक की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस पर है, एक की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स एक्सिस पर है, और एक की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाई एक्सिस पर है। तो वो ओरिएंटेशन क्या है जो एक्स एक्सिस के अलोंग, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम क्या बोलते हैं इसका ओरिएंटेशन किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसको बोला जाता है ओरिएंटेशन। आप समझ में आया, आसान है ना, ऐसा नहीं है कि मुझे पता है तो मैं कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड बोल दूंगा, मैं जो भी बोलूंगा वो समझाऊंगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। कौन कौन से तीन ऑर्बिटल ये होते हैं बच्चों, पी एक्स पी वाई पी जेड, इधर देखो कौन कौन से डी ऑर्बिटल, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है ना, इसको डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोल लो, इसको डी जेड स्क्वायर बोल लो, ये डी एक्स जेड ये डी वाई जेड ये डी एक्स वाई। अब ये क्या बोला है सर, इधर तो ठीक है पी एक्स पी वाई पी जेड समझ में आ गया, आपने बोल दिया कि हाँ एक्स एक्सिस का लॉन्ग है तो पी एक्स हो गया, वाई एक्सिस का लॉन्ग है तो पी वाई हो गया, ये डी एक्स वाई क्या है बच्चों, डी का शेप कैसा होता है डबल डंबल, ऐसे चार चार फुग्गे थे उसमें, चार चार फुग्गे थे मतलब अगर पी ऑर्बिटल की बात करूँ एक्स एक्सिस है तो ये पी एक्स ऑर्बिटल हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, और बच्चों वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा पी वाई, और ऐसे जेड एक्सिस के अलोंग बना लो, जेड एक्सिस को हम हमेशा ऐसे ही बनाते हैं टेढ़ा है ना, ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। डी ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं बच्चों, डी ऑर्बिटल एक दो तीन चार, अगर ये एक्स वाई एक्सिस के बिटवीन है तो इसको बोला जाएगा डी एक्स वाई, डी एक्स वाई ऑर्बिटल ऐसा ऑर्बिटल जिसमें चार लोब हैं और वो चारों लोब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में हैं, डी वाई जेड डी वाई जेड ये हो गया बच्चों डी वाई जेड, और ये हो गया अपना डी एक्स जेड, ठीक है, ये डी वाई जेड हो गया, डी एक्स जेड हो गया नहीं, अभी नहीं हुआ, जब तक एक्सिस मेंशन नहीं करोगे तब तक नहीं, डी वाई जेड है तो इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस लिखो, अगर ये डी एक्स जेड है यानी कि इसमें से एक एक्सिस एक्स और एक जेड है, अब हम इसको बोलेंगे डी एक्स जेड, ठीक है। इनमें से एक भी ऑर्बिटल बच्चों एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट नहीं है, बिटवीन द एक्सिस है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इसलिए इनको बच्चों नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोला जाता है, इनको बच्चों हम आगे पढ़ेंगे टी टू जी ऑर्बिटल्स भी बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन में बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई दो ऑर्बिटल्स भी हैं क्या, बिल्कुल हैं, देखो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग एक ऑर्बिटल और होता है जो एक्सिस पर ही प्रेजेंट होता है, देखो एक्सिस के अलोंग ही इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऐसे ही होता है, ये होता है बच्चों अपना डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे ही ये होता है अपना जेड एक्सिस, इसके अलोंग एक लोब पाया जाता है और एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग पाई जाती है बच्चों, ठीक है। ये होता है बच्चों अपना डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, देखो जरा ये दोनों ऑर्बिटल्स एक्सिस पर ही प्रेजेंट है, इनमें से एक भी एक्सिस पर नहीं है, ये दोनों एक्सिस पर हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, उनको नॉन एक्सियल बोला है तो इनको क्या बोल देंगे, एक्सियल ऑर्बिटल्स, और एक्सियल ऑर्बिटल्स को बच्चों ईजी ऑर्बिटल्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ईजी ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये टी टू जी ईजी ये सब अपने काम आएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी ये अपने आगे जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आएगा तब ये टर्म काम आएगी, लेकिन हाँ अभी एक्सियल और नॉन एक्सियल जरूर काम आएंगे, ठीक है। तो ये है बच्चों अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक लास्ट और बचा है स्पिन क्वांटम नंबर, उसे भी देख लेते हैं फटाफट से, फोर्थ है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, हो
बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। अब बच्चों मैं आपको क्या बताऊं, कुछ ऐसे टीचर्स भी देखे मैंने जो ऐसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे घूमता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमते हैं ये इलेक्ट्रॉन, ऐसे घूमते हैं। बच्चों जैसे मैंने आपको क्या बताया था, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक एटम के मॉडल को रिप्रेजेंट करता है, बीच में जो सन है वो है न्यूक्लियस और उसके अराउंड जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं और अपने पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग भी रिवॉल्व करते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस के अलॉन्ग रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन जो कि अपने एक्सिस के अलॉन्ग रिवॉल्व करता है तो बच्चों वो दो टाइप से रिवॉल्व कर सकता है, या तो वो क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मैंने ऐसे ऐसे टीचर देखे जो ऐसे बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेगा, दूसरा ऐसे रिवॉल्व करेगा। एक बच्चे ने पूछ लिया कि सर अगर ठीक है ऐसे रिवॉल्व करेंगे तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एक ऐसे घूम रहा है, तो ये तो ऐसा है कि टकरा जाएंगे। मतलब डाउट सही है, बच्चे का डाउट सही है, एक्सप्लेनेशन गलत है। बच्चों आपसे ये पूछा जाए कि अर्थ अपने एक्सिस के अलॉन्ग रिवॉल्व कर रही है तो कैसे कर रही है, आप क्या बोलोगे, ऐसे कर रही है या ऐसे कर रही है या फिर ऐसे कर रही है। अर्थ एक 3D ऑब्जेक्ट है, वैसे इलेक्ट्रॉन को एक 3D ऑब्जेक्ट मानो और ये ऑब्जेक्ट अगर स्पिन कर रहा है तो या तो ये ऐसे स्पिन करेगा या फिर ये ऐसे स्पिन करेगा, जैसे बचपन में अपन लट्टू चलाते थे, है ना। आप लोगों ने तो पता नहीं बच्चों चलाया होगा या नहीं चलाया होगा, मैंने खूब चलाया और मैं सीरियसली दिल पे हाथ रख के मतलब एकदम सच्ची सच्ची बात बोल रहा हूँ, मेरे मोहल्ले का सबसे तगड़ा लट्टूबाज था मैं, सबसे तगड़ा लट्टू चलाता था मैं, कईयों के लट्टू फोड़े मैंने मेरे लट्टू से, है ना। तो खैर वो कला मेरी कभी काम नहीं आई मुझे आगे जीवन में, वो अब कला विलुप्त हो गई है। और अब हम इलेक्ट्रॉन घुमा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन बच्चों जैसे लट्टू या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। एक इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर ये आपने क्लॉकवाइज माना है तो बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोल देते हैं इसकी वैल्यू प्लस हाफ है, और अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मान रहे हो तो आप इसको माइनस हाफ कंसिडर करोगे, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को रिप्रेजेंट करता है और इलेक्ट्रॉन की स्पिन दो ही टाइप की हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यूज होती हैं, तो प्लस हाफ या माइनस हाफ, ठीक है। ये प्लस हाफ और माइनस हाफ ही क्यों है इसको दिमाग में मत लाओ, ये आपके काम का नहीं है। ये प्लस हाफ माइनस हाफ क्यों आया, ये आप कभी मान लो पीएचडी वीएचडी करोगे ना आगे जाके, तब जाके कहीं समझ में आएगा कि प्लस हाफ ही क्यों आया, ठीक है। ये बच्चों मैथमेटिक्स लगती है तब जाके ये वैल्यूज निकल कर आती हैं, और मैथमेटिक्स तगड़े लेवल की लगती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर मैथमेटिक्स से पल्ला झाड़ने के लिए बायो लिया था तो फिर इस बात को बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लाना कि प्लस हाफ और माइनस हाफ क्यों आया, ठीक है। चलिए बच्चों ये था अपना स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि अब हमने चारों क्वांटम नंबर का सेट कंप्लीट कर लिया है, और चारों क्वांटम नंबर का सेट कंप्लीट कर लिया है तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये जो हमने चारों क्वांटम नंबर पढ़े ये काम कैसे आते हैं, कैसे इनसे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस निकाला जाता है, तो इस पर बेस जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हमें आइडिया लगेगा। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे ये चार क्वांटम नंबर अप्लाई करेंगे हम। देखो ये एक एटम है, इसमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फोर्थ शेल, ठीक है। हमने सपोज मान लिया थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में बच्चों कितने सबशेल पाए जाते हैं, ये कुछ इतने तीन सबशेल पाए जाते हैं, उन तीन सबशेल में से इस वाले में वो प्रेजेंट है। अब ये थर्ड शेल है, अगर ये n इक्वल टू 3 है तो इधर या तो 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा, तो वो सपोज 3d में प्रेजेंट है, 3d में प्रेजेंट है। तो अब देखो बच्चों यहां पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, शेल को, शेल कौन सा है, थर्ड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं एड्रेस करना चाह रहा हूं, ये n इक्वल टू 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 इसके लिए हो जाएगा क्योंकि थर्ड शेल में। अगर अब n इक्वल टू 3 में ये कौन से सबशेल में बच्चों, 3d में, तो l की वैल्यू क्या रहेगी इसके लिए, d के लिए l का वैल्यू क्या होता है, याद करो जल्दी से, l का वैल्यू 0 था s के लिए,
L का वैल्यू 1 था P के लिए, L का वैल्यू 2 किसके लिए था, D के लिए, तो D के लिए L का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना बच्चों, L का वैल्यू कभी भी N के बराबर या उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, L का वैल्यू हमेशा हमेशा N से छोटा ही रहेगा। L का वैल्यू आप ऐसे भी नहीं लिख सकते, ये भी गलत है, L का वैल्यू कभी भी आप N के बराबर नहीं लिख सकते, और L इक्वल टू N लिख दो ये तो कभी सोचना भी मत, ठीक है। तो L का वैल्यू आ गया 2। अब बच्चों इस सबशेल में 5 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, उन 5 ऑर्बिटल में से किसी में भी वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो M का वैल्यू या तो -2 या -1 या 0 या 1 या 2, -2 -1 0 1 2 इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकता है, क्योंकि डी सबशेल ऐसा होता है बच्चों 5 ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3 4 5, तो इनमें से किसी में भी वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो इनके लिए वैल्यूज -2 -1 0 1 और 2 है, तो वो सपोज अगर इसमें है तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा +1, अगर इसमें होता तो एम का वैल्यू -2, तो इन पांचों में से कोई भी एक वैल्यू पॉसिबल है उस इलेक्ट्रॉन के लिए। एस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब इलेक्ट्रॉन बच्चों दिखता ही नहीं है तो उसकी स्पिन कैसे नजर आएगी कि क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हम मान लेते हैं कि वो या तो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, तो या तो +1/2 या -1/2, ये वैल्यूज पॉसिबल हैं उस इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इस तरीके से बच्चों देखो, इस इलेक्ट्रॉन को हमने एड्रेस कर दिया कि ये इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है। अगर मैं आपको अब ये डायग्राम हटा दूं और मैं बोलूं ये एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, तो आप पता लगा लोगे, कैसे पता लगाओगे, एन का वैल्यू 3 है यानी कि वो किस शेल में है, वो थर्ड शेल में है। अच्छा एन का वैल्यू 3 है कोई बात नहीं, एल का वैल्यू 2, एल का वैल्यू 2 यानी कि कौन सा सबशेल, थर्ड शेल के एल इक्वल टू 2 यानी कि डी सबशेल में, यानी कि 3D सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और 3D सबशेल के कौन से ऑर्बिटल में है उसका आइडिया मिलेगा हमें m की वैल्यू से। m का वैल्यू सपोज -2 दिया हुआ है तो हम बोल देंगे -2 किसी भी d ऑर्बिटल के लिए अलॉट हो सकती है, dxy dyz dxz dx2y square dz square किसी के लिए भी, तो सपोज dxy को कर दी यानी कि वो dxy ऑर्बिटल में है, और अगर +1/2 है इसका मतलब वो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। हमने ऐसे ही आर्बिट्ररी वैल्यू दे रखी है +1/2, इसको हम +1/2 इसको भी दे सकते थे, इसको भी दे सकते, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि वो इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के डी सबशेल के dxy ऑर्बिटल में बैठ के क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये उस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। प्रभात को उसकी गर्लफ्रेंड मिल गई है। तो बच्चों इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करते रहेंगे, और इस टॉपिक पर पर्टिकुलरली कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आए हैं, लेकिन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए केमिस्ट्री, सीखते रहिए केमिस्ट्री, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।